subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जनाब कल के लेक्चर से एक क्वेश्चन, कल हमने क्वेश्चन देखा था रेनबो पेंट्स का, प्रॉफिट लॉस बजट और कैश बजट दोनों बनाए थे हमने, कोई सवाल? अच्छा, कल हमने जो रेनबो का क्वेश्चन किया था दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन द कैश बजट। अब आगे कैश बजट के कुछ सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। सादिक लिमिटेड स्प्रिंग 18 का क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द बजटेड नेट कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो बनाना है हमने अगले साल के लिए 31 दिसंबर 2018 के लिए। अज्यूम देयर आर 360 डेज इन अ ईयर। सादिक लिमिटेड का डाटा पढ़ते हैं जी। इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बजट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ PNL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, जो जस्ट रिसेंट ईयर ख़त्म हुआ उसका PNL एक्सट्रैक्ट। सेल्स 30% कैश थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एज ऑन 1st January, मतलब जिसका PNL उसके शुरू में, अमाउंटेड टू 152 मिलियन। There was no opening and closing inventory for the of work in process and finished goods. पिछले साल की बात कर रहा है, कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था, राउंड टेल का ओपनिंग अवेलेबल है। SL follows FIFO method of valuation of inventories. Following are the projections to be used in the preparation of the budget. अगले साल का जो बजट बनाना है उससे रिलेटेड, पिछले साल का PNL दे दिया, पिछले साल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दी, अब अगले साल का हमें डाटा दिया जा रहा है। सेलिंग प्राइस वुड बी रिड्यूस्ड बाय 5%। फर्दर क्रेडिट पीरियड ऑफर्ड टू कस्टमर वुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 45 to 30 डेज। क्रेडिट पीरियड 45 डेज का क्या मतलब है, 30 डेज का क्या मतलब है, इस पर कल हमारी बात हुई। एज अ रिजल्ट वॉल्यूम्स ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% and 5%। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटीज, कैश की बढ़ेगी 10% और क्रेडिट सेल्स की बढ़ेगी 5%। रेशियो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाज 5:3:2 फॉर द रॉ मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड रिस्पेक्टिवली। वाज पिछले साल का जो डाटा है उसका ब्रेकअप है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मटेरियल लेबर ओवरहेड कितना था, ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड 20% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पिछले साल के 1250 से सारे फिक्स हैं। फैक्ट्री ओवरहेड जो आप नोट नंबर 2 से मेजर कर सकते हैं पिछले साल के, उसका 20% फिक्स्ड है। टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2017, पिछले साल में डेप्रिसिएशन 100 मिलियन की थी, एंड वाज द पोर्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। जो 100 मिलियन की डेप्रिसिएशन का ताल्लुक 7 over 10 मैन्युफैक्चरिंग में था, 3/10 आपका ऑपरेटिंग में से था डेप्रिसिएशन जो है, 70-30 कर लीजिए आप। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वुड बी मेंटेन्ड एट 30 डेज ऑफ कंजम्पशन अप टू 31 दिसंबर। इट वॉज मेंटेन्ड एट 45 डेज ऑफ कंजम्पशन। पिछले साल 45 डेज की कंजम्पशन पे था, अब आप 30 डेज की कंजम्पशन पे आएंगे। रॉ मटेरियल प्राइसेज एंड डायरेक्ट लेबर रेट वुड इंक्रीज बाय 10 and 6 रिस्पेक्टिवली। इम्पैक्ट ऑन ऑल अदर कॉस्ट वुड बी 5%। एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ पेमेंट टू रॉ मटेरियल सप्लायर इन 30 डेज इज टू बी चेंज टू 15 डेज। अदर कॉस्ट आर टू बी पेड इन द मंथ ऑफ इनकरेंस। जी जनाब, ये सारा आपको पिछला PNL और अगली काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एक तो फिर इसको रीड कीजिए, देन विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द वैल्यूज।
कैश बजट की आइटम्स जो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैश रिसीट्स में कैश सेल्स हैं, क्रेडिट सेल्स हैं, पेमेंट्स में परचेजेस, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। रिसीट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, वी शुड नो द सेल्स फिगर, वी शुड नो द टर्म्स। सो कैश सेल्स की फिगर हम लेंगे, और कैश सेल्स तो जिस पीरियड की सेल है उसी पीरियड में आ जाती हैं। क्रेडिट सेल्स की फिगर हम वर्कआउट करेंगे, टर्म्स उसने बता दी हैं, उसके मुताबिक हम कैश क्रेडिट सेल से कैश रिसीट्स ले पाएंगे। परचेजेस के लिए हमें चीज़ें चाहिए, परचेजेस कितनी है और पेमेंट टर्म्स क्या हैं। परचेजेस हमें वर्कआउट करनी पड़ेंगी, पेमेंट टर्म्स अवेलेबल हैं नोट नंबर 7 में। वेयर एज ऑल अदर कॉस्ट की कोई पेमेंट टर्म का जिक्र नहीं है, इसका मतलब जिस पीरियड का खर्चा है उसी पीरियड में पे हो जाएगा। हमें इनकी सिर्फ कॉस्ट ही डिटरमिन करनी है, सिर्फ ख्याल ये करना पड़ेगा कि नॉन कैश इनमें कॉस्ट शामिल ना हो। एक्सपेंसेस जो बाकी हैं परचेज के अलावा जो पेमेंट्स हैं, हमें कॉस्ट की फिगर चाहिए, हमें नॉन कैश एलिमेंट चाहिए। पेमेंट टर्म के बारे में कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन में एक्सपेंसेस के बारे में। सो हम ज्यूम करते हैं शायद कि अगर क्वेश्चन में जिक्र ना हो, साइलेंट हो, तो हमारी अजम्पशन होती है जिस पीरियड का खर्चा है उसी पीरियड में ही पे हो जाएगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं सेल्स की फिगर से। हमें पिछले साल की सेल्स अवेलेबल हैं टोटल, उसमें से कैश कितनी है ये भी पता है। पिछले साल की सेल्स टोटल है 7,500, उसमें कैश कितनी है 30%। ये पिछले साल की कैश सेल्स आ गई। अब हमने देखना है कि अगला साल जो हमारा बजट जिसका करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं। सेल्स में चेंजेस प्राइस और वॉल्यूम दोनों से आती है। सो हमें बताया गया है नोट नंबर 1 में कि प्राइस कम की जाएगी 5%। इसका मतलब कैश सेल्स प्राइस की वजह से 95% पे आएगी। और साथ ही में कहा गया है इसी नोट नंबर वन में ही कैश सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा 10%। से तो ये लीजिए 110% कर लीजिए या 1.1 कर लीजिए, आपकी कैश सेल्स अगले पीरियड में क्या होने वाली हैं। और कैश सेल्स जिस पीरियड की सेल्स उसी पीरियड में रिसीट्स कितनी आ जी 2,35,1.00 2,5 मिलियन में डाटा हो तो हम 2 डेसिमल तक ले जाते हैं। दिस इज द गाइडलाइन। कैश सेल्स जिस पीरियड की सेल्स उसी पीरियड में रिसीट। क्रेडिट सेल्स से रिसीट कितनी है उसके लिए वर्किंग बनानी पड़ेगी हमें। क्रेडिट सेल्स रिसीट के लिए हम टी काउंट से भी ले सकते हैं, स्टेटमेंट इक्वेशन से भी ले सकते हैं। लेट्स गो फॉर द टी काउंट। बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट सेल्स, बैलेंस कैरी डाउन एंड द कैश इज द बैलेंसिंग फिगर। ऑल ये हम ट्रेड डेटर्स का अकाउंट बना रहे हैं। ऑल फिगर्स आर रुपीज इन मिलियन पोस्ट करेंगे हम। अगले साल हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी होंगी, हम इसी के नीचे मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो करंट पिछले साल हमारी क्रेडिट सेल थी 7,500 का 70%। इनकी 5% जब प्राइस कम करोगे तो वॉल्यूम में इजाफा कितना आएगा 5%। लीजिए यहाँ से इनकी सेल्स की फिगर आ गई। क्रेडिट सेल्स हमारी क्या होंगी अगले साल 5,236.88। ये आपकी अगले साल की क्रेडिट सेल्स आ गई। बजटेड सेल्स आपकी, बजटेड क्रेडिट सेल्स आपकी क्या है। पिछले साल की सेल्स हमें बताई गई हैं और उसमें पता है सेल्स में वॉल्यूम और प्राइस का चेंज आना है, तो हमें जो चेंजेस उसने वॉल्यूम की और प्राइस की बताई हमने लास्ट ईयर सेल्स में उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया। हमें बजटेड क्रेडिट सेल्स आ गई 5,236.88। बैलेंस ब्रॉट डाउन, पिछले साल जिसका पीएनएल हमें दिया गया है हमारा डेटर बैलेंस कितना होगा। नोट नंबर वन में बताया गया है कि पिछले साल आपका डेटर डेज कितने थे 45 डेज।
पिछले साल आपके डेटर 45 डेज में पैसा देते थे, इसका मतलब आपका डेटर बैलेंस पिछले साल कितना होगा? 45 डेज की सेल्स के बराबर। तो यहाँ पे मैं 1.1 वर्किंग के लिए इधर ही मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स पिछले साल की क्रेडिट सेल्स 7,500 का 70%, पिछले साल की क्रेडिट सेल्स के 45 दिन के बराबर। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स था, कितना है जी? 656.25। ये हमारा जी ओपनिंग बैलेंस 656.25 ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस हमें कहता है जी अब कंपनी की पॉलिसी रिवाइज होने जा रही है, डेटर डेज जो है वो 30 पे आ जाएंगे, मतलब कस्टमर अब 30 दिनों में पैसा वापस किया करेंगे। कस्टमर 30 दिनों में पैसा वापस करेंगे तो इसका मतलब डेटर्स का बैलेंस कितना रह जाएगा? 30 दिनों की सेल के बराबर। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स विल बी 5236.88 ओवर 360 इंटू 30, 436.41 एंड कैश बैलेंसिंग फिगर 0.72। लीजिए जी ये आपकी रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स आ गई 5456.72। रिसीट्स की साइड हमारी कंप्लीट हुई। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? ये जो मेथड हम फॉलो करते हैं ना, जिसमें हमें पिछले साल की फिगर दी जाती है और पिछले साल की फिगर में क्या वॉल्यूम क्या प्राइस की चेंजेस आने वाली हैं वो बता दी जाती हैं, इस मेथड को इंक्रीमेंटल बजटिंग कहा जाता है। आगे चल के बजटिंग की टाइप्स हम पढ़ेंगे, उसमें इंक्रीमेंटल बजटिंग की टर्म आपके सामने आएगी, बट एज इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक, कोई लंबी चौड़ी डिस्कशन पे है नहीं, तो इसलिए हमने इसको कैलकुलेशन में इसको लेके चलते जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सवाल हमने इस मेथड से किए हैं। टर्म मैं पहली दफ़ा आपको बता रहा हूँ कि पिछले साल की फिगर दी जाए आपको, पिछले साल की फिगर को बेस बना के अगले साल के लिए आप उसमें एडजस्टमेंट डाल दीजिए वॉल्यूम की प्राइस की या एनी अदर फैक्टर की। इस मेथड ऑफ बजटिंग को इंक्रीमेंटल बजट कहा जाता है कि पिछले साल के बजट में इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट, पिछले साल की फिगर्स में पिछले साल के रिजल्ट्स में इंक्रीमेंटल आप एडजस्टमेंट डालो और अगले साल का बजट बना लो। दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बजट। जी कोई सवाल रिसीट्स के ऊपर? अच्छा जब हम पेमेंट्स पे जाते हैं और पेमेंट्स में पहले हम लेबर पे बात करेंगे, परचेजेस पे बाद में आएंगे, फिर हम वेरिएबल ओवरहेड पे बात करेंगे, फिर फिक्स्ड ओवरहेड पे करेंगे, वर्किंग 5 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड द लास्ट वर्किंग 6 हम परचेजेस की बनाएंगे। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे भी है, लास्ट ईयर्स लेबर कॉस्ट। लास्ट ईयर लेबर कॉस्ट हमारी क्या रही? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 3/10 या 30%। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पिछले साल थी 4000, इसका 3/10 या 30% कह लीजिए। पिछले साल की लेबर कॉस्ट हमारी 1200 मिलियन थी। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। लेबर कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है वेरिएबल? वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंजेस आती हैं दो अंदाज से आती हैं, एक वॉल्यूम से एक रेट से। तो लेबर का रेट कितना बढ़ेगा अगले साल? लेबर का रेट बढ़ेगा 6%। नोट नंबर फाइव में बताया गया है लेबर की कॉस्ट 6% से बढ़ेगी। और लेबर का, लेबर के आवर्स जिसका ताल्लुक वॉल्यूम से है वो कितनी बढ़ेंगी? वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? वॉल्यूम आपका कैश सेल्स का बढ़ने का पैटर्न 10% है, क्रेडिट सेल्स का बढ़ने का अंदाज 5% है, और हमारी लेबर का ताल्लुक कैश एंड क्रेडिट सेल दोनों से है। अब इसको प्रेजेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं। हम तो अभी तक यूज्ड टू थे कभी पिछले साल की लेबर कॉस्ट मिल जाए
उसमें वॉल्यूम का चेंज डाल दो, उसमें प्राइस का चेंज डाल दो, अगले साल की कॉस्ट आ जाएगी, ऐसा ही है ना। अब प्राइस के चेंज का तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम के चेंज दो हैं, क्योंकि हमारी लेबर कॉस्ट कैश सेल्स पे भी लग रही है, उनको बनाने में भी लेबर लग रही है, क्रेडिट सेल के लिए जो प्रोडक्ट बन रही है उनके लिए भी लेबर लग रही है। कैश सेल्स की ग्रोथ 10% है, क्रेडिट की 5% है, दो ग्रोथ आ गई है, क्या करें। देर आर नंबर ऑफ वेज टू डील विद इट। वन वे कुड बी आप एवरेज ग्रोथ ले लो, आप एवरेज ग्रोथ ले लो, ठीक है, लेकिन सिंपल एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज, क्योंकि आपकी 70% सेल्स क्रेडिट है, आपकी 30% सेल्स कैश है। जो क्रेडिट सेल्स हैं, जो कि 70% हैं, उन्होंने ग्रो करना है 5% से, और जो कैश सेल्स आपकी 30% हैं, उन्होंने ग्रो करना है 10% से। तो सिंपल एवरेज 5 × 10/2 नहीं कर सकते आप, जब दो वैल्यूज की आपने एवरेज लेनी है, लेकिन दोनों वैल्यूज का वेट फर्क है। जो 5% ग्रोथ है क्रेडिट सेल्स की, उसका वेट 70% है, और जो 10% ग्रोथ है कैश सेल्स की, इसका वेट 30% है। तो आप सिंपल 5 × 10/2 नहीं करते, आप एवरेज इस तरह लेते हो, ये कितना आता है 3.5%, और ये कितना आता है शायद 3%, टोटल एवरेज ग्रोथ आपकी 6.5% आती है। ये है आपकी एवरेज वॉल्यूम ग्रोथ, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग। इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, मैं इसके अलावा 2-3 प्रेजेंटेशन आपसे शेयर कर सकता हूं, एक प्रेजेंटेशन एग्जामिनर ने भी दी हुई है, लेकिन इस अंदाज से भी देख लिया जाए तो ये ठीक है समझने के लिए कि हमारी एवरेज वॉल्यूम ग्रोथ इज 6.5%, हमारी 70% सेल्स ने जो कि क्रेडिट सेल्स हैं 5% ग्रो करेंगे अगले साल, 30% सेल्स जो कि हमारी कैश सेल्स हैं वो 10% ग्रो करेंगी। वेटेड एवरेज लेने का तरीका, वेट इनटू वैल्यू, वेट इनटू वैल्यू, ये वेट है दोनों आइटम्स का, ये उनकी वैल्यूज हैं। वेटेड एवरेज इज 6.5%, एवरेज वॉल्यूम ग्रोथ हमारी 6.5 आने वाली है। अब हम इस वॉल्यूम ग्रोथ को लेके बजटेड लेबर कॉस्ट बना सकते हैं, बजटेड लेबर कॉस्ट, पिछले साल की कॉस्ट, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ डाल दो, उसमें रेट ग्रोथ डाल दो, सो अगले साल की बजट आ जाएगा ये कितना जी, सॉरी 1354.68 मिलियन, ये आपका अगले साल का बजटेड लेबर कॉस्ट आ गई है। और हमने डिस्कस किया कि चूंकि पेमेंट का पैटर्न नहीं गिवन, तो हम अज्यूम करेंगे जिस साल की कॉस्ट उसी साल पे होगी, 1354.68, एवरेज ग्रोथ इन सेल्स 6.5%। इसका आंसर की प्रेजेंटेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, यू मे नॉट हैव टू लर्न दैट, आपको मैंने एक सिर्फ एक एवरेज ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया है, इसके बाद आपकी सारी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन की आसान हो जाएगी। एग्जामिनर ने आपकी एवरेज ग्रोथ रेट नहीं निकाला, उसने हर कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेट किया है, तो हम यहाँ पे एवरेज ग्रोथ की मदद से मामला आसान कर सकते हैं। इसको करने के, इसको प्रेजेंट करने के कई तरीके और हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल और आसान है कि आप एवरेज ग्रोथ का कॉन्सेप्ट ले लीजिए। वॉल्यूम ग्रोथ आपको दो दी गई हैं, टोटल वॉल्यूम में दो ग्रोथ के रेट हैं, लेकिन चूंकि वेट्स अवेलेबल हैं, 70% में ये ग्रोथ आएगी, 30% में ये ग्रोथ आएगी, एवरेज ग्रोथ ले जा दी जा सकती है। और एवरेज ग्रोथ, सिंगल ग्रोथ आ जाए तो आगे का काम हमें आता है, अगले साल की लेबर कॉस्ट लेने के लिए पिछले साल की लेबर कॉस्ट लगाई ली, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ डाली, उसमें रेट की ग्रोथ डाली, अगले साल की बजटेड लेबर कॉस्ट आ गई। अच्छा जी, अब हम अगली वर्किंग पे आते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स, वर्किंग 3, वेरिएबल ओवरहेड्स। इसमें भी सबसे पहले हम लास्ट ईयर्स के वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट मेजर करते हैं, क्योंकि इसमें फिर हमने चेंजेस लानी है। लास्ट ईयर के ओवरहेड्स कितने थे, 4000 का 2/10, ये तो है लास्ट ईयर के टोटल ओवरहेड्स। उसने कहा नोट नंबर 2 में रेशियो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 2/10 फॉर फैक्ट्री ओवरहेड,
नोट नंबर 2 में 2/10 आपको फैक्ट्री ओवरहेड की इंफॉर्मेशन मिली। इसके बाद आप जाइए नोट नंबर 3 में, जिसमें वो कहता है कि फैक्ट्री ओवरहेड में 20% फिक्स्ड है। इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड का 80% हमें वेरिएबल चाहिए। तो लास्ट ईयर ओवरहेड्स 4000 के 2/10 है और 2/10 है, इसका 80% वेरिएबल है। तो लास्ट ईयर वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं? 640। ये लास्ट ईयर के वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, 640 मिलियन। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में कौन सी चेंजेस आएंगी? दो, एक वॉल्यूम की और एक रेट की। तो वॉल्यूम की चेंज क्या है, हम एवरेज निकाल चुके हैं। अब हमारे लिए बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, लास्ट ईयर कॉस्ट लीजिए, इसमें वॉल्यूम की चेंज डालिए, इसमें कॉस्ट की चेंजेस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट की चेंजेस 5% बनाइए। यहां से क्या आती है जी? 715.68। ये लीजिए जी, ये आपकी वेरिएबल ओवरहेड की फिगर 715.68 मिलियन। आपने एक बार एवरेज रेट निकाल लिया, अब आपके लिए सारी वर्किंग बिल्कुल बेसिक लेवल की होती जा रही हैं। ये वर्किंग बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे आपने पहले वर्किंग्स देखी हुई हैं, लास्ट ईयर वैल्यू को एडजस्ट करके अगले साल का बजट कैसे बनाया जाता है। अगर आप ये एवरेज रेट ना निकालें और आप सॉल्यूशन का ऑडिट करने चलेंगे तो आपको 2 घंटे लग जाएंगे उसको समझने में, उसके बाद भी पता नहीं कितने बच्चों को समझ आए, कितने बच्चों को समझ ना आए। इसलिए आपको कहा जाता है खुद थोड़ा सोच लेंगे, खुद थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करा लेंगे, तब आपके लिए क्वेश्चन लाइक ईजीएस्ट क्वेश्चन लाइक एनी अदर क्वेश्चन जो हमने शुरू में कभी किया था। वेरिएबल ओवरहेड, जिस साल का खर्चा उसी साल पे होगा, तो जितनी कॉस्ट उतनी ही पेमेंट, 715.68। अच्छा जी, फिक्स्ड ओवरहेड पे आइए, वर्किंग 4। इसी अंदाज में सबसे पहले लास्ट ईयर की कॉस्ट निकाल लीजिए, लास्ट ईयर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। लास्ट ईयर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स का 20% है। ये लास्ट ईयर की फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट है, कितनी है जी? 160 रुपीज इन मिलियन। ये लास्ट ईयर की फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है। फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है, इसमें पहली बात नॉन कैश एलिमेंट शामिल हो सकता है, जो कि उसने यकीनन बताया हुआ है कि शामिल है नोट नंबर 3 में, डेप्रिसिएशन शामिल है इसमें। और फिक्स्ड कॉस्ट में इजाफा सिर्फ इन्फ्लेशन का आता है, एग्रीड जी? तो हमने अगले साल की अगर फिक्स्ड कॉस्ट कैश बजट के लिए लेनी है, कैश बजट के लिए, तो हमें कैश कॉस्ट चाहिए। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जो कैश कॉस्ट बचेगी पिछले साल की, उसमें कितनी इन्फ्लेशन है? 5%। इस पे इन्फ्लेशन 5% लगेगी। हमें 3 इन्फ्लेशन दी गई हैं, मटेरियल की 10%, लेबर की 6% और बाकी सारी आइटम्स के लिए 5%। तो हमें 160 में से डेप्रिसिएशन माइनस करनी है पिछले साल की और फिर उसमें इन्फ्लेशन डाल देनी है। तो हम कहेंगे बजटेड, जरा इसकी मैं टर्म देख लीजिएगा, मैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड नहीं लिख रहा, बजटेड कैश पोर्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड, क्योंकि हमें कैश पोर्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड चाहिए कैश बजट के लिए। हम कैश बजट बना रहे हैं, हमें कैश पोर्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड चाहिए। दैट इज 160 मिलियन पिछले साल का खर्चा, इसमें से माइनस करें डेप्रिसिएशन जो कि है 100 मिलियन का 70%। ये डेप्रिसिएशन माइनस करो, इसको 70% लिख दीजिए या 7/10 लिख दीजिए, उसने जिसका बताया हुआ 7/10 लिख दीजिए, एक ही बात है। ये हमारी कैश ओवरहेड्स आ गए और कैश ओवरहेड्स में आप 5% का इजाफा ऐड कर दीजिए। तो बताइए अगले साल के आपके बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कैश पोर्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड क्या आ रहा है? ₹94.50 मिलियन। और जिस पीरियड का खर्चा उस पीरियड में पे हुआ 94.50। ये पेमेंट्स हैं, इनको ब्रैकेट्स में
शो कर देते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट में डेप्रिसिएशन शामिल है। फिक्स्ड कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे क्योंकि हम कैश बजट बना रहे हैं। नॉन कैश कॉस्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। नॉन कैश कॉस्ट माइनस करेंगे 7/10 मैन्युफैक्चरिंग डेप्रिसिएशन है। बाकी जो कॉस्ट बचेगी उसमें हमने 5% की इन्फ्लेशन लगानी है। ये ब्रैकेट मैं मिस कर गया। हमने 160 में से 70 मिलियन माइनस किया और उस पर फिर 5% की इन्फ्लेशन लगाई। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, नेक्स्ट वैल्यूज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में हमें अगले साल की कॉस्ट का पता होना चाहिए और कैश कॉस्ट का पता होना चाहिए। पिछले साल की कॉस्ट 1250 है, इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है नोट नंबर 3 के मुताबिक, वो माइनस करनी है और इसमें फिर इन्फ्लेशन लगनी है। सो वर्किंग 5 हमारी बजटेड कॉस्ट आएगी 1250 माइनस 100 का 3/10 और इसका फिर 5% इन्फ्लेशन। कितनी आएगी अगले साल की कॉस्ट? 1281.00 मिलियन। ये जी हमारी अगले साल की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिस साल का खर्चा उसी साल पे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड कॉस्ट पे सिर्फ इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आता है, वॉल्यूम का इम्पैक्ट सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे आता है। वॉल्यूम के ऊपर, वेरिएबल कॉस्ट पे वॉल्यूम प्लस इन्फ्लेशन दोनों इम्पैक्ट आते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट पे सिर्फ इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आता है, नो वॉल्यूम इम्पैक्ट। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, अब लास्ट आइटम हमारी परचेजेस की। हमें परचेजेस के अगेंस्ट पेमेंट कितनी करनी है? पेमेंट के अगेंस्ट परचेजेस के लिए आपको एक तो पेएबल अकाउंट चाहिए होता है जी, ट्रेड पेएबल अकाउंट, ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट कह लीजिए। जैसे हमने डेटर्स का अकाउंट बनाया, इस तरह क्रेडिटर्स का अकाउंट, बैलेंस ब्रॉड डाउन होता है, फिर आपकी परचेजेस आती हैं, इधर से बैलेंस कैरी डाउन होता है और यहाँ पे आपकी कैश पेमेंट की फिगर आती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे इनमें से कोई फिगर अवेलेबल है? हमें ये फिगर तो वर्कआउट करनी है जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आने वाली है। हमें परचेजेस की फिगर चाहिए करंट ईयर की, करंट ईयर हमने कितना परचेज किया ये फिगर चाहिए। हमें बैलेंस ब्रॉड डाउन, पिछले साल से बैलेंस आगे कितना, ये चाहिए। हमें बैलेंस कैरी डाउन, ये फिगर चाहिए जो जिसका ताल्लुक इस परचेजेस से है। परचेज की फिगर निकालो, पिछले साल का बैलेंस आगे लाओ, इस परचेज को लेके कैरी डाउन निकालो, दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। सबसे पहले हम परचेज की फिगर पे बात करते हैं कि हम अगले साल जिस साल का हम बजट बना रहे हैं हम उस साल में कितनी परचेजेस करेंगे। परचेजेस की फिगर कहाँ से आती है? याद है कल हमने एक इक्वेशन रिकॉल की थी, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। लेकिन फिर फाइफो का चैलेंज आया था, फाइफो का मसला आ गया था, फिर हमने इसको मैनेज करना सीखा था। परचेजेस की फिगर हम कैसे निकालें उस पर हमारी बात हुई थी, तो यहाँ पे भी वही बात है जो हमने कल सीखी थी। परचेज की फिगर 6.1 हम लेंगे। सबसे पहले 6.1 रॉ मटेरियल कंजम्पशन एट 2017 प्राइसेस, कंजम्पशन एट 2017 प्राइसेस। इसमें से फिर हम लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक कंज्यूम्ड, देन वी विल हैव ओपनिंग स्टॉक कंज्यूम्ड। इसके बाद हमें मिलेगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन फ्रॉम करंट
फ्रॉम द 2018, यही था जी पैटर्न हमारा। देन नेक्स्ट क्या किया था हमने, इस कंजम्पशन में इन्फ्लेशन डाली थी, इन्फ्लेशन का इफेक्ट डाला था इसमें, क्योंकि इसमें 2017 की प्राइसेस थी तो इन्फ्लेशन डाल के हम कंजम्पशन को ले गए थे, रॉ मटेरियल कंजम्पशन एट 2018 की प्राइसेस पे, ये हमारे पास कंजम्पशन आ गई थी 2018 की प्राइसेस पे, लेकिन करंट वाली। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या था जी, क्या किया था, ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दिया था हमने, टोटल कंजम्पशन सिर्फ हमने वॉल्यूम की चेंज डाली थी इसमें, इसमें से ओपनिंग स्टॉक लेस करके जो 2018 की कंजम्पशन बची थी उसमें प्राइस चेंज डाला और ओपनिंग स्टॉक दोबारा ऐड कर दिया, ऐड ओपनिंग स्टॉक कंज्यूम, ये दोबारा ऐड किया। तो अब हमारे पास असल फिगर जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन की बनती है वो बनी थी, रॉ मटेरियल कंजम्पशन की फिगर ये आई थी, टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन, टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन की फिगर हमारी यहां से बनती है। अच्छा नहीं, हमने चाहे ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन ये मुझे लग रहा थोड़ा लंबा हम कर रहे हैं। चले पहले हमने इक्वेशन बनाई इसके हिसाब से कर लेते हैं, फिर इसका हम शॉर्ट मेथड भी देखते हैं। रॉ मटेरियल कंजम्पशन एट 2017 प्राइसेस, पिछले साल की कंजम्पशन कितनी थी हमारी, 4000 का 5/10, ये पिछले साल की कंजम्पशन है, इसमें सिर्फ वॉल्यूम का चेंज डाल दो, वॉल्यूम का चेंज डालो, प्राइस का चेंज ना डालो, तो कितनी कंजम्पशन आई जी, 2130। ओपनिंग स्टॉक कितना था जी हमारा, ओपनिंग स्टॉक कहां से लेंगे जी हम, ओपनिंग स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन है जी हमें नोट नंबर 4, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वुड बी मेंटेन्ड एट 30 डेज ऑफ कंजम्पशन, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वुड बी मेंटेन्ड एट 30 डेज ऑफ कंजम्पशन। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा 2017 की कंजम्पशन पे बेस करेगा ना, तो 2017 की कंजम्पशन थी 4000 का 5/10 और ओपनिंग स्टॉक 30 डेज है, तो 30/360 यही है जी ओपनिंग स्टॉक, 5/10 है ये, 5/10 और ये 30/360 रॉ मटेरियल 45 पॉलिसी, मैंने गलत प्लेस पिक किए, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वुड बी मेंटेन्ड, हाँ जी पिछले साल तो 45 थी, माई मिस्टेक जी, क्लोजिंग स्टॉक 30 पे निकलना है, ओपनिंग स्टॉक तो 45 पे है, 45 ये है जी पूरे साल की कंजम्पशन। तो 45 डिवाइड बाय 360 करें, एक दिन की कंजम्पशन, 45 दिन की कंजम्पशन कितनी है जी, 250 जी, यहां से कितनी बची है, 1880, इसमें इन्फ्लेशन डाली है मटेरियल की, मटेरियल की इन्फ्लेशन इज 10% जी। नेक्स्ट ईयर रॉ मटेरियल कंजम्पशन 2018 की क्या आई, 2068, इसमें ओपनिंग स्टॉक दोबारा ऐड कर दीजिए 250, तो ये आपकी टोटल कंजम्पशन रॉ मटेरियल की आ गई 2318। ये कंजम्पशन मैं इस फॉर्मेट में मेरे जहन में, और आपने भी शायद इसको कल से इसलिए फॉलो कर लिया कि कल हम पीएनएल भी बना रहे थे, कल हम पीएनएल बना रहे थे, मैं कंजम्पशन की फिगर चाहिए थी, यही फिगर वो है जो पीएनएल में जाती है, हम यहाँ पे पीएनएल नहीं बना रहे, बट चलें फिगर आ गई है, इसको लेके चलते हैं आगे हम। कंजम्पशन हमारे पास है, अब यहाँ से हमने जाना है परचेजेस पे, हमें बेसिकली ये फिगर ना, मैं पीएनएल वाली वर्किंग हमने बना दी है, हमें कैश बजट वाली वर्किंग जो चाहिए थी जो कल हमने बनाई थी, मुझे लगता है हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, इससे ज़रा कॉम्प्लिकेट आगे चीज़ें हो जाएंगी। ये पीएनएल में रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो कल हमने निकाली थी वो है, लेकिन अगर आपको याद हो कल हमने कैश बजट के लिए भी एक वर्किंग की थी, हमें उस वर्किंग को यूज़ करना है, काइंडनेस वर्किंग को अगर आप डिस्कार्ड करें, दैट वर्किंग वॉज मच सिंपलर, दैट वॉज वर्किंग वॉज रॉ मटेरियल कंजम्पशन, बोलते जाइए क्या वर्किंग थी कल जी, एट
2017 प्राइसेस, इसमें हमने फिर हमने ऐड किया था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर इसमें से लेस किया था हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर हमें यहाँ पे मिली थी कंजम्पशन परचेजेस, हमें मिली थी रॉ मटेरियल परचेजेस एट 2017 प्राइसेस, हमने इस परचेज में डायरेक्ट इन्फ्लेशन 1.1 ऐड करके हम रॉ मटेरियल परचेज 2018 की प्राइस पे ले सकते हैं। ये वर्किंग कल हमने यूज़ की थी, मेरे भी जहन में और आपके भी जहन में वो वाली वर्किंग आई, कल हमने दोनों वर्किंग की थी बेसिकली, ये वर्किंग भी की थी, ये वर्किंग भी की थी, ये पीएनएल के लिए हमें चाहिए थी, ये पीएनएल फिगर है, कल हमने ये वर्किंग भी की थी, कल हमने ये वर्किंग भी की थी। मैं भी रिकॉल करते हुए उसी वर्किंग की तरफ चला गया, आपने भी उसी को फॉलो कर लिया, बट दैट वर्किंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड हेयर, ये वर्किंग करेक्ट है, बट ये वर्किंग पीएनएल की रॉ मटेरियल की कंजम्पशन निकली है। रेनबो में कल हमने जो पीएनएल बनाया था, यहाँ पे हमें पीएनएल बनाना नहीं है, इस वर्किंग की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए वर्किंग इस वक्त जो रेलिवेंट है वो ये वर्किंग है जिसका फॉर्मेट मैंने शो किया, इसको फिलहाल मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ। पीएनएल होता तो हम इसको यूज़ करते, यहाँ से आगे लेके जाना, इस फिगर पे आना, दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ा, इसको मैं यहीं पे डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। ये फिगर मैं यहीं से ले रहा हूँ जी, रॉ मटेरियल कंजम्पशन लास्ट ईयर प्राइस 2130, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 250, क्लोजिंग स्टॉक 45 डेज ऑफ कंजम्पशन, इसका 45 डेज कंजम्पशन निकाल लीजिए, ये साल की कंजम्पशन है 2130 डिवाइड बाई 360 इंटू, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक की पॉलिसी तो 30 है ना, क्लोजिंग स्टॉक की पॉलिसी तो 30 रह गई है, 177.50 लीजिए जी, यहाँ से आप परचेजेस लास्ट ईयर प्राइस निकाल लीजिए 57.50, इसमें इन्फ्लेशन डाल दीजिए 226.25, परचेजेस की फिगर 226.25, हमें अगले साल बजटेड परचेज की फिगर मिल गई। मैथमेटिक्स में जब आप फिगर से डील कर रहे हैं, लर्न टू अप्लाई ब्रैकेट्स एंड लर्न टू यूज देम। जैसे मैं यहाँ पे ब्रैकेट, अगर यहाँ पे ये मैंने ब्लू में लगाई थी, मैं भूल गया था लगानी, मैंने बाद में लगाई, अगर ये ब्रैकेट यहाँ से निकाल दूँ तो जवाब कुछ और है कैलकुलेटर पे, और ब्रैकेट डालें तो जवाब कुछ और है, इतना मैथमेटिक्स आपको याद होना चाहिए। तो ब्रैकेट्स डालना भी सीखिए और उसको इस्तेमाल करना भी सीखिए कैलकुलेटर पे। और बात फिर वही है कि आप आदतें घर से, अगर आप होम प्रैक्टिस में अगर आपने आदतें नहीं बनाई हुई प्रेजेंट करने की चीज़ों को, तो ये गलतियां आपसे एग्जाम में भी होंगी। तो घर से क्लास में जब आप डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं बोर्ड पे भी कोशिश करता हूं कि डाटा को उसी शेप में प्रेजेंट किया जाए जो एग्जामिनेशन में आप प्रेजेंट कर सकें। आपको यही आदत अपनानी है क्लास में भी और घर पे भी, कि डाटा उस शेप में प्रेजेंट किया जाए जैसे एग्जाम में किया जाना चाहिए, और उसी पे आप कैलकुलेशंस कीजिए। जी जनाब, परचेज की फिगर 2018 में हमारी परचेज क्या आएगी, ट्रेड क्रेडिटर के लेजर अकाउंट में आ गई 2263.25, परचेज 2018 की आ गई। 2018 का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स भी ले सकते हैं, नोट नंबर 7 में गिवन है, कंपनी की पॉलिसी चली जाएगी 15 दिन पे, एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ पेमेंट टू रॉ मटेरियल सप्लायर इन 30 डेज इज टू बी चेंज टू 15 डेज। 15 दिन पे पॉलिसी चली जाएगी, तो परचेजेस आपके पास हैं, 15 दिन के हिसाब से बैलेंस निकाल लो 226.25/360 × 15 94.30 लीजिए जी, ये बैलेंस भी आ गया आपके पास। अब आपको एक फिगर चाहिए ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस किस पे डिपेंडेंट है, पिछले साल की परचेज पे, और पिछले साल की परचेज अवेलेबल नहीं है, बैलेंस अवेलेबल नहीं है। कल हमने सवाल किया था ना, याद हो आपको, तो कल उसने आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर पिछले साल ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स दिया था 3 मिलियन, फिगर भी मुझे याद पड़ रही है। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपको निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको वर्किंग बनानी पड़ेगी 6.2, इसके लिए आपको पिछले साल की परचेजेस चाहिए। ये आपने निकाली है अगले साल की परचेजेस,
उससे आपने क्लोजिंग पेबल निकाल लिया। अब यहाँ पे आप पिछले साल की परचेजेस निकालेंगे और वहां से आप निकालेंगे पिछले साल का पेबल। अब पिछले साल की परचेजेस भी आप इसी इक्वेशन के अंदाज में बनाओगे, जैसे 6.1 बनाया ना, इसी तरह बनाओगे आप 6.2, जिसमें रॉ मटेरियल कंजम्पशन लोगे, एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कंजम्पशन 2017 की है और यहां से आपको रॉ मटेरियल परचेज 2017 की मिल जाएगी। रॉ मटेरियल परचेज 2017 की आ जाएगी तो उससे आप इसका क्लोजिंग बैलेंस 45 डेज के हिसाब से बना लोगे। 2017 की कंजम्पशन ये आ रही है जी, कितनी है, 4000 का 5/10, 2000, ये 2017 की कंजम्पशन है। 2017 का क्लोजिंग स्टॉक 250, जो हमारा यहां पे 2018 का ओपनिंग आ रहा था, और 2017 का ओपनिंग स्टॉक गिवन है 152। यहां से लाइए परचेजेस कितनी आई, 2098। लीजिए जी परचेजेस आपके पास हैं, यहां से आप 2017 का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स ले लीजिएगा, जो कि निकलेगा कितने 30 डेज पे, 2098 ओवर 360 इंटू 30, 1780। दो हजार 18 में आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेबल्स, 2017 का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेबल है, 2017 का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेबल्स 2017 की परचेजेस पे बेस्ड है। 2017 की परचेजेस आपको गिवन नहीं है तो यहां पे आपको 2017 की परचेजेस भी बनानी पड़ी। वर्किंग वही है, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। 2017 में प्राइस का चेंज क्या आया वो हमें नहीं पता, हम अज्यूम करेंगे जीरो है। 2018 में तो हमें पता है ना प्राइस चेंज है, तो हमें इसको प्राइस के हिसाब से एडजस्टमेंट करनी पड़ी, लेकिन 2017 में कोई प्राइस चेंज का फर्क नहीं पता, तो हम अज्यूम करेंगे सारी प्राइसेस सेम है, कोई इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। लीजिए जी बैलेंसिंग फिगर कैश पे 2343.78। ये जी आपका कैश बजट रेडी हो गया 2343.78। दिस इज अ पेमेंट नेगेटिव, नाउ यू कैन टेक नेट रिसीट और पेमेंट 2033 नेट रिसीट। रिसीट जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल, किसी वैल्यू पे कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, पूछिए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं, स्पेशली बजटिंग के क्वेश्चन में, और वो वेरिएबल्स आप कैप्चर नहीं कर पाते जब तक आप रिपीटेड रीडिंग ना दें। आप बार बार पढ़ते हैं तो ही आप इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर पाते हो क्वेश्चन में क्या क्या अवेलेबल है। ये वर्किंग आपने देखी फाइफो वाली जो है, ये पिछले क्वेश्चन में रेनबो में भी टेस्ट हुई हमारी, आल दो वहाँ पे आई कैप के सोल्यूशन में गलती थी, लेकिन बहरहाल सेम यही वर्किंग वहाँ पे भी टेस्ट हुई और वही वर्किंग हमें यहाँ पे भी दी जा रही है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन हम देखते हैं, इस क्वेश्चन में हम सिर्फ रसीट्स का पार्ट सिर्फ देखेंगे आज, उसके अलावा शायद देखेंगे अगर चलने का कोई वक्त हुआ तो देख लेंगे, नहीं तो हम उसको छोड़ देंगे। क्वेश्चन है आगे आपके पास लोटस एंटरप्राइजेस का, ये ऑटम 16 का क्वेश्चन वन है, ऑटम 16 क्वेश्चन वन। मैं सिर्फ सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन इसमें से पढ़ता हूँ, सेल्स कैश रिसीट्स को टारगेट करने के लिए। हमें 30 सितंबर 2016 का पीएनएल दिया गया है, पीएनएल एक्सट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स, जिसमें सेल्स की फिगर है जो 2016 साल गुजरा 100% क्रेडिट पे हुई थी 3000। बाकी चीज़ें अभी हम नहीं पढ़ते, इधर से आगे चलते हैं। पिछले साल हमने सेल्स की हैं 3000 मिलियन की, 100% क्रेडिट थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट ईयर की जो बजट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, और उसमें नोट नंबर 1 पे हम आते हैं। नोट नंबर 1 में वो कहता है जी सेल्स वॉल्यूम इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 30%। In order to finance the additional working capital,
जब सेल, वर्किंग कैपिटल से मुराद क्या होती है इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट प्राइमरली वर्किंग कैपिटल से मुराद ली जाती है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन करंट एसेट्स प्राइमरली। डिटेल में आप बीएफडी में इसको देखेंगे, लेकिन यू शुड नो जब सेल्स बढ़ती है तो आपके डेटर्स भी बढ़ जाते हैं। ज़्यादा लोगों को उधार पे बेचना पड़ेगा ना आपको, तो ज़्यादा लोगों से पैसे आपके पास फंस जाएंगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट, सारी बात है जिनको चीज़ें बेचते जा रहे हो पैसे नहीं आ रहे, जितनी ज़्यादा चीज़ें बेच रहे हो उतने ज़्यादा पैसे ब्लॉक होते जा रहे हैं आपके। सो जब सेल्स बढ़ती हैं तो हम कहते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स बढ़ती है, जिसको हम वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। सेल्स बढ़ने के लिए ना सिर्फ हमारे डेटर्स बढ़ जाते हैं, बट सेल्स बढ़ने के लिए एडिशनल प्रोडक्शन करने के लिए हमें एडिशनल इन्वेंट्रीज भी रखनी पड़ती हैं। तो एडिशनल इन्वेंट्रीज, एडिशनल डेटर्स, एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल कैश, एवरीथिंग विल ग्रो, इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट विल ग्रो। उसके लिए वो कह रहा है कि आपको इन ऑर्डर टू फाइनेंस द एडिशनल वर्किंग कैपिटल द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट द फॉलोइंग मेजर्स, इंट्रोड्यूस कैश सेल्स, कि भाई हमारी सेल्स में बढ़ना है तो कैश, क्रेडिट सेल में तो पैसा फंस जाता है, जाके चीज बना के बेच देते हो पैसा ही नहीं आता, तो कैश सेल्स इंट्रोड्यूस की जाए, चाहे चीज बेचें कुछ तो पैसे सवरना आया करें ना। तो उसने कही कैश सेल्स लाई जाए, 2% डिस्काउंट देंगे, 20% कस्टमर हमसे कैश पे लेंगे, द प्रेजेंट एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब नॉर्मली डेटर्स आपको 45 दिन में पैसे देते हैं, एली हैज डिसाइडेड टू इंप्रूव फॉलोअप्स विच विड इंश्योर कलेक्शन विद इन 40 डेज, 40 दिन में पैसे आएंगे जी, अब हम अगले साल कलेक्शन जल्दी करेंगे। ये भी आपको याद रखना है कि डेटर कलेक्शन डेज कम होने का मतलब डेटर बैलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या समझाया, 45 डेज कलेक्शन पीरियड का मतलब है कि डेटर बैलेंस 45 दिन के बराबर है, इसका मतलब 45 दिन के बराबर पैसा आपका डेटर्स में ब्लॉक है। अगर आप डेटर कलेक्शन कम कर लोगे, डेज कम कर लोगे, तो डेटर बैलेंस कम हो जाएगा। डेटर बैलेंस कम होने का मतलब अब आपकी करंट बैलेंस शीट में करंट एसेट्स आपके कम हो गए हैं, आपके फंड्स इन्वेस्टेड इन डेटर्स, फंड्स इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स कम हो गए हैं। तो वो कह रही है अगले साल हम प्लान करेंगे, करंटली हम 45 दिन में चीज़ें पैसे रिकवर कर पाते हैं, आइंदा हम 40 दिन में लाएंगे। हम जी सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन पे बेस करते हुए प्राइस, उसने कहा जी सिर्फ कैश सेल्स की बदलेगी, 2% डिस्काउंट आएगा, अदरवाइज प्राइस में कोई चेंज नहीं है। पिछले साल की प्राइस गिवन है हमें, अगले साल का वॉल्यूम चेंज बता दिया, अगले साल का प्राइस चेंज सिर्फ कैश का बता दिया, अगले साल का डेटर्स की पॉलिसी, कलेक्शन पॉलिसी है वो बता दी। तो हम यहाँ पे सिर्फ कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स से रिसीट्स मेजर करने चलते हैं, बाकी डेटा हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बात करेंगे। फिलहाल ये दो वैल्यूज हम मेजर करने जा रहे हैं जी, कैश सेल्स अगले साल हमारी कितनी होंगी, पिछले साल की सेल 3000 है, सेल्स में इजाफा आ जाएगा 30% का, अगले साल की सेल आ गई, इसमें से कितनी कैश है, 20% फुल प्राइस पे है, 2% डिस्काउंट पे, अगले साल हमारी कैश सेल्स कितनी होंगी, जितनी कैश सेल्स उतनी रिसीट, वैल्यू बोलिए, 764.4, ये है जी आपकी रिसीट्स फ्रॉम 4.40, रिसीट्स फ्रॉम कैश सेल्स। कैश सेल्स से हमें अगले साल कितना पैसा आएगा, उसने हमें जैसे बताया कि जी हमने पिछले साल 3000 की सेल्स की थी, अगले साल ये सेल 30% बढ़ जाएंगी, तो 3000 इंटू 1.3 अगले साल की सेल्स आ गई। फिर उसने हमें बताया कि अगले साल हमारी टोटल सेल में से 20% कैश होंगी, हमने टोटल सेल्स का 20% ले लिया। फिर उसने मजीद कहा कि कैश सेल्स को 2% डिस्काउंट दिया जाएगा, तो हमने 2% डिस्काउंट की डिडक्शन भी डाल दी, तो कैश सेल से कितना पैसा आएगा हमें पता लग गया, 764.40। जैसे जैसे उसने हमें एडजस्टमेंट बताई, वैसे वैसे हम जरब तकसीम करते जाते हैं और वैल्यूज हमारी आ जाती हैं बजटिंग में। दिस इज द की स्टेटमेंट, पढ़िए और मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए राइट वैल्यूज चूज कीजिए। क्रेडिट सेल से रिकवरी हम फॉर्मेट बनाते हैं, लेजर का आपसे शेयर करता आ रहा हूं मैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, यहाँ पे क्रेडिट सेल्स आती हैं, बैलेंस कैरी डाउन होता है, और कैश इज द बैलेंसिंग फिगर।
कैश इज अ बैलेंसिंग फिगर. बैलेंस ब्रॉड डाउन डेटर्स का ये क्वेश्चन में अवेलेबल है. पिछले साल सारी सेल्स क्रेडिट में थी, निकालना पड़ेगा. पिछले साल सारी सेल्स क्रेडिट पे थी और पिछले साल हमारा डेटर कलेक्शन पीरियड था 45 दिन. तो हमारा ब्रॉड डाउन होगा 3000 डिवाइडेड विद साल में दिन 360 गिवन है इनटू 45 कितना है जी 375 हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन है. अगले साल हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी होंगी यहाँ से हम देख सकते हैं. अगले साल टोटल सेल होंगी 3000 इंटू 1.3 और इसका 80% क्रेडिट होगा. प्राइस का कोई फर्क नहीं होगा. कितनी होगी जी 3120. और अगले साल हमारा डेटर पीरियड कलेक्शन कितने दिनों में होगी 40 डेज. 3120 डिवाइड विद 360 इंटू 40 340.67. लीजिए जी बैलेंसिंग फिगर कैश 3148.33. ये जी हमारी रिसीट्स की दो वैल्यूज हैं, कैश सेल्स के अगेंस्ट रिसीट्स और क्रेडिट सेल्स रिसीट्स. ये रिलेटिवली सिंपल फिगर्स थी, इन पे हमें ज़्यादा स्टडी करना की क्वेश्चन पे ज़रूरत नहीं पड़ी. मैंने आपको सिर्फ सिलेक्टेड पॉइंट्स जो इन वैल्यूज़ की कैलकुलेशन से रेलेवेंट थे वो इस्तेमाल किए, उनको हमने वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया. एनी क्वेश्चन? हम क्वेश्चन नंबर 8 लोटस पे बात कर रहे हैं. हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं लोटस इंटरप्राइजेज. उसमें हमने सिर्फ रिसीट की साइड को देखा है, बाकी आइटम्स हम इंशाअल्लाह मंडे को पढ़ेंगे. बाकी आइटम्स की कैलकुलेशन पेमेंट्स हैं जो उनको मंडे पे देखेंगे इंशाअल्लाह. आज के लिए इतना ही, बाकी मंडे को मुलाकात होगी जी. थैंक यू.